सिद्धार्थ नगर पुलिस ने 20 नवंबर को मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभियुक्त सियाकत अली पड़ोसी मुल्क नेपाल का निवासी है। मोहाना थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निरंजनपुर से सियाकत को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो चोरी के सामान को बेचने के फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से 15 मोबाइल और 23,000 रुपये नेपाली कैश बरामद किया है। बरामद सामान की कीमत लगभग 1,65,000 रुपये आकी गई है। पकड़े गए चोर को पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि बीते माह नवंबर की 20 तारीख को मोहाना थाना क्षेत्र के ककराहा बाजार से एक मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस और सर्विलांस की टीम तभी से घटना के पर्दाफाश में जुटी। 22 नवंबर की रात्रि में थाना मोहाना के ककराहा चौकी क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप से चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुए थे। उसमें हमारे द्वारा जो हमारा थाना मोहाना की टीम और सर्विलांस की टीम, इनके द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा था। इसके चलते आज दिनांक 14 दिसंबर को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और जिनके पास से 15 मोबाइल, 11 चार्जर और 23,300 नेपाली रुपया बरामद हुआ है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो सामान, इसके अतिरिक्त जो सामान बचता है वो इन्होंने नेपाल में बेचा गया। जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम सियाकत है और यह थाना वन भूसरी नेपाल के रूपनदेही जिले के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि और भी लाभप्रद सूचना इनसे मिल सके और इस प्रकार के जो चोर हमारे क्षेत्र में सक्रिय हैं उन पर प्रभावी कदम किया जा सके। टोटल 15 मोबाइल फ़ोन मिले हैं जो अलग अलग कंपनियों के हैं, जिसकी कीमत लगभग 1,65,000 रुपये